हाँ बोलिए। रिकॉर्डिंग शुरू कर रहे हैं। ठीक बजन जी, प्रसन्न रहिए जी। सारी दुनिया इस समय, सारी दुनिया कोरोना के कारण लॉकडाउन की स्थिति में करीब करीब है जी। तो अपने घर, लोग अपने घर में है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और जो भी सुरक्षा के उपाय बताए गए हैं उनका पालन कर रहे हैं जी। प्रश्न न केवल अपने, न केवल अपनी सुरक्षा का है बल्कि अपने समाज का, अपने परिवार की रक्षा का भी है जी। देखिए ब्रजन जी, यह एक वैश्विक आपदा है और इसके पहले कि हम बातचीत शुरू करें, आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार, जो भी सुन रहे हैं उन सबके लिए मेरी शुभकामनाएं। ये वैश्विक आपदा का दौर कहा जा रहा है, वायरस कोरोना 19 के नाम से जो विदित है, इसने पूरी मानवता के सामने गंभीर संकट उत्पन्न कर दिया है और इससे बचाव का अभी तत्काल कोई उपाय नहीं है सिवाय इसके कि हम एक सामाजिक दूरी, भौतिक दूरी बनाए रखें और अपने अपने घरों में रहें, क्योंकि इसके संक्रमण का माध्यम श्वसन बन गया है। जब हम संवाद करते हैं और संपर्क में आते हैं, अर्थात दो माध्यम हो, श्वसन और संपर्क, तो इनसे दूर रहने का उपाय यही है बचने का कि हम घरों में रहें, मुंह पर मास्क लगाएं, किसी से हाथ ना मिलाएं और अगर अनिवार्य हुआ बाहर निकलने के लिए तो हम मास्क लगाकर ही निकलें और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। विश्व भर में यही कार्यक्रम चल रहा है, तो ऐसे में घर में रहना, स्थानीय हो जाना एक व्यवस्था है। जहाँ तक यह प्रश्न है कि इससे हमारी गतिविधियाँ बाधित हो रही हैं, विकास का क्रम अवरुद्ध हो रहा है, तो इसके लिए भी चिंतन हो रहा है। पहला तो यह कि इस अदृश्य आपदा, अदृश्य बैरी का मुकाबला करने के लिए हमारे पास एक अदृश्य और सशक्त साधन है जिसे हम इंटरनेट कहते हैं, या जो इंटरनेट से संबंधित और जितने भी उपाय हैं, माध्यम हैं, जो पूर्णतः अदृश्य हैं। हम अगर इस अदृश्य बैरी के सामने स्वयं को दृश्यमान करते हैं तो इसका प्रभाव हमारे ऊपर ज़्यादा पड़ जाता है। तो ऐसे में हम इंटरनेट का उपयोग करके दुनिया में सर्वत्र अपने को संबद्ध कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनको हम इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। अब तो प्रयोगशालाओं के प्रयोग भी कंप्यूटर पर हम कर लेते हैं, जिन्हें सब क्रिटिकल स्टेज का परीक्षण करते हैं सामरिक शब्दावली में। तो हमारे पास कंप्यूटर है, इंटरनेट है, इसका हम उपयोग कर रहे हैं, करते हैं और आगे भी करना चाहिए। पूरी शिक्षा व्यवस्था दुनिया में आज इसी से चल रही है, जो वेब सिस्टम्स हैं उनके माध्यम से ही। तो एक रास्ता तो ये है कि जो अध्ययन अध्यापन की विधा है, जो प्रयोग की विधा है जिसे हम प्रयोगशाला में कर सकते हैं कंप्यूटर के माध्यम से, वह सब कार्य हमारे हो रहे हैं। जो संवाद की शैली है हम कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से कर ले रहे हैं, बैठकें भी हम आयोजित कर ले रहे हैं। समस्या ये है कि हम प्रत्यक्ष रूप से जहाँ कार्य कर रहे हैं वहाँ का क्या होगा। जिन उद्योगों में उत्पादन होता है, उत्पादित सामान के विपणन और निर्यात से आय बढ़ती है, लोगों की आजीविका चलती है, उसका क्या होगा। ये एक गंभीर संकट है। इधर कई वर्षों से पूरे विश्व में औद्योगिक आस्थानों पर निर्भरता की दर बढ़ गई थी, जो हमारे देश में, दुनिया भर में स्थानीय स्तर पर कुटीर उद्योग हैं उसमें हमारी अभिरुचि बढ़नी चाहिए थी। कुटीर उद्योग हमारी आत्मनिर्भरता के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। इनके ऊपर काम करने से, इन्हें थोड़ा और बड़ा स्वरूप दे देने से जो श्रमिकों का पलायन है इसको थोड़ा रोका जा सकता है। अब एक नए सिरे से नीति बनेगी कि स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। आपको ध्यान होगा अभी अपने माननीय प्रधानमंत्री जी
जो इसमें दुनिया के फलक पर महानायक के रूप में हैं, उन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया कि आप लोकल को ग्लोबल की ओर ले चलिए और लोकल के लिए वोकल बनिए। इसका आशय सिर्फ यही था कि स्थानीय स्तर पर हमारे जितने उद्योग हैं उनको हम महत्व दें, बढ़ावा दें और वहाँ अधिक से अधिक लोगों को इन्वॉल्व करें। मनरेगा एक उपाय है जो ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन होता है उसको रोकने के लिए, कुटीर उद्योग जो ग्रामीणांचल में है वह भी उपाय है। बहुत सारे उद्योग हम ऐसे क्षेत्रों में लगा सकते हैं जैसे जहाँ बहुत ज़्यादा गेहूं का उत्पादन है, तो आटा से संबंधित, गेहूं से संबंधित बड़े उद्योग भी लग सकते हैं। मक्के का उत्पादन होता है, हम मक्के से संबंधित उद्योग लगा सकते हैं, कॉम्प्लेक्स इत्यादि। जहाँ सरसों का उत्पादन अच्छा है वहाँ उससे संबंधित उद्योग लगा सकते हैं। जहाँ बहुत अच्छे फल होते हैं, आम हो गया, अमरूद हो गया, लीची हो गया, उससे संबंधित उद्योग लगा सकते हैं। तो जो अनावश्यक व्यवस्था में श्रमिकों का पलायन है यह रुक सकता है, इसके बारे में हमें विचार करना चाहिए। जहाँ तक आर्थिक प्रगति की बात है तो हम आर्थिक प्रगति का आकलन करते हैं किसी भी देश में जो पर कैपिटा इनकम से प्रति व्यक्ति कितनी आय है और जीडीपी से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है, इसके आधार पर करते हैं। निश्चित रूप से औद्योगिक प्रतिष्ठानों के बंद होने से, श्रमिकों के वापस हो जाने से उत्पादन पर रोक लगी है, उन वस्तुओं के उत्पादन पर रोक लगी है जिन्हें हम सुख सुविधा की सामग्री कहते हैं। कुछ आवश्यक भी हैं, जैसे वस्त्र उद्योग है, यह आवश्यक भी है, परिवार भी है, अनिवार्य भी है, यह हमारे औरत के काम आता है। भवन निर्माण है, रियल इस्टेट पर असर पड़ गया, तो ये ऐसे उद्योग हैं जो प्रभावित होते हैं तो सबके ऊपर असर पड़ जाता है। लेकिन जहाँ बहुत ज़्यादा टीवी बनती है जिसके माध्यम से हम आज संवाद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कार जहाँ बनती है जिससे गति के मानक और पैमाने तय होते हैं, कितनी सुखद कार है, कितनी गति से चलती है, कितनी सुरक्षित है, तो इस प्रकार के जितने उद्योग हैं जहाँ बहुत सारे लोगों को आजीविका मिली हुई है, ये बंद हुए हैं। तो अगर इसको हम केवल विकास का मानक मान लें तो विकास प्रभावित हुआ है, जिससे हमारा जीवन यापन होता है, अन्न कृषि क्षेत्र उसमें उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ा है। और हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति अगर मजबूत है तो अपने किसानों के कारण ही है। इसीलिए अन्नदाता हमारे लिए भगवान है जो हमें अन्न देता है। आप कृषि क्षेत्र में देखिए, इतनी प्रगति है, इतनी उन्नति है, इतना अधिक उत्पादन हुआ है, किस आपदा के बाद भी हमारा अन्न भंडार कहीं कम नहीं हुआ, उसकी क्षमता बढ़ाने की जरूरत है, इतना ज़्यादा उत्पादन हो गया। आज की तारीख में जो नया उत्पादन है अगर हम उसे किनारे रखें तो पुराना भंडार ही हमारे पास इतना है कि वर्ष भर तक तो कोई संकट आना ही नहीं है। तो आप एक वर्ष का और समझ लीजिए, एक वर्ष का जो आ गया और समझ लीजिए। हमारे किसान लोग जब उत्पादन करते हैं तो वर्ष भर के लिए अपने पास रख लेते हैं, शेष अगला जो बचता है उसे मार्केट में ले जाते हैं। तो इसीलिए हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था पर बाह्य आघात नहीं पड़ता। इतना जरूर है कि जो बड़े उद्योग हैं जहां पूंजी निवेश की बात की जाती है कि बाहर से पूंजी वहां आए, भारत में निर्माण हो, कौशल जिसे आजकल कहा जाता है, कौशल के क्षेत्र में प्रगति हो, ऐसे कार्यक्रमों से लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर कार्य करने का अवसर मिल जाता है। ऐसे अवसर में कमी आई है, लेकिन यह जो आपदा है यह स्थायी नहीं होती है। किसी भी समस्या में अस्थायी तो नहीं होता, हर समस्या का समाधान होता है। इस आपदा का भी समाधान है और अब कोशिश है कि इसका समाधान भी करते रहें और इस आपदा में हम नए अवसर भी सृजित करते रहें। अभी तत्काल ज़रूरत है कि इस आपदा से जो संक्रमित हो रहे हैं उनका निदान करने की, जो बचे हैं वो संक्रमित ना होने पाए उन्हें सावधान करने की, ये हमारी आवश्यकता है। इसलिए अब जो नया निवेश होगा, नए उद्योग बनेंगे, उसमें वरीयता दी जाएगी औषधि उद्योग को। केवल जो आधुनिक दवाइयां हैं जिन्हें आप कह सकते हैं मॉडर्न मेडिसिन्स, उस पर भी निर्भरता हमें घटानी होगी। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है,
तमाम वनस्पतियां हैं जो औषधि के रूप में काम करती हैं और वह हमारे आसपास हैं, जिन्हें हर्बल मेडिसिन्स के नाम से हम लोग जानते हैं। अब हर्बल मेडिसिन्स पर भी काम करने की ज़रूरत है कि हमारे आसपास वनस्पतियां हमारे लिए औषधि के रूप में आए। कोई ऐसी वनस्पति नहीं है जिसका औषधीय उपयोग नहीं है। हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है, बहुत सारी चीज़ें तो हम जानते हैं, घर घर में है तुलसी, हर घर में है तुलसी दल, हम ग्रहण करते हैं सुबह, उसी से आगे बढ़ते हैं। संसार में उतना अच्छा एंटीबायोटिक नहीं है जितना तुलसी है। नीम की पत्ती हमारे पास है, उससे अच्छा एंटीबायोटिक नहीं है कोई। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। व्यापक पैमाने पर हमें वनीकरण योजना में भाग लेना पड़ेगा। बहुत सारे जो आवश्यक पौधे हैं, अगर पीपल और बरगद स्वतः न उग जाएं तो इनका रोपण नहीं किया जाता। आज की तारीख में हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे पौधे जो हमारे जीवनदायी पौधे हैं, वृक्ष, इनका भी अब रोपण कराना चाहिए। इन सब चीज़ों पर हमें ध्यान देना है। हमारे पास उद्योग पास में है, नदियों का तल गहरा करना है, तटबंध पक्के करने हैं। जरूरी नहीं कि हम उद्योग में जाकर के काम करें, काम के बहुत सारे अवसर हैं। नदियों का तट पक्का होना चाहिए, जो गहराई है बढ़ जाए, बालू निकलेगा उद्योग के रूप में काम आ जाएगा। अवसर हमें अब तलाश लेना है, नए अवसर हमें सृजित कर लेना है। तो इससे जो आय और आजीविका का संकट है यह दूर होगा। उत्पादन और वितरण के लिए फिर समय आएगा, फिर बाहर आएगी, फिर उद्योग लहलहाएंगे, फलित होंगे। पहले खेती लहलहाए, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए, और कोई बेकार ना रह जाए, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। मूल बात यह है कि आज की कठिनाई में हमें आत्मनिर्भर बन जाना है। यह इस आपदा का सबक है कि आत्मनिर्भरता सबसे ज़्यादा आवश्यक है। आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक है कि स्थानीय उद्योगों को हम महत्व दें, उत्पाद को बढ़ावा दें और उसका वैश्विक धरातल पर विपणन की व्यवस्था किया जाए, उसके लिए मार्केट की तलाश की जाए। समाज स्वयं बाजार में बदल जाए मायने नहीं रखता। हमारे जो उत्पाद हैं इनके लिए हम बाजार की तलाश करें। हम जो सुख सुविधा के साधन हैं, जो वस्तुएं हैं, केवल उन्हीं के प्रभाव में न आ जाए, पर हम संतोष भी करें। संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं होता। प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, प्रतियोगिता होनी चाहिए, लेकिन यह जन कल्याण के लिए होनी चाहिए। हम प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा किसी को दबाने के लिए करें तो अच्छी चीज़ नहीं होगी। हमें बहुत ऐसा लगता था, ऐसा अखबारों में भी, कि वहाँ की वस्तुएं अच्छी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान से अच्छा कहीं का कोई उत्पाद है ही नहीं। चीन में जो बहुत ज़्यादा उत्पादन हुआ, सस्ते श्रम के कारण हुआ, सस्ते पदार्थों के कारण हुआ, रॉ मटेरियल्स के कारण, लेकिन जो सस्ता होता है वो टिकाऊ नहीं होता। बिकाऊ हो सकता है, टिकाऊ नहीं हो सकता। इसलिए आप वस्तुओं की गुणवत्ता पर ध्यान दें, और जब गुणवत्ता पर ध्यान देंगे तभी आप बहुत अच्छा कर सकेंगे। तो इसलिए आप यह ना माने कि विकास ठहर गया है, विकास की गति धीमी हुई है। हम दौड़ में कभी धीमे हो जाते हैं और फिर तेज दौड़ने लगते हैं, पूरी दुनिया फिर तेज दौड़ेगी और हम उस दौड़ में सबसे आगे निकलेंगे, ये भरोसा रखना चाहिए। जी जी जी। सर, ये जो हमारी जो ग्रामीण व्यवस्था की आपने बात की, जी ग्रामीण व्यवस्था, लेकिन है कि आत्मनिर्भर गाँव की चर्चा तो बहुत पहले से गांधी जी ने भी की थी कि हमारे गाँव जो होंगे वो आत्मनिर्भर बने, क्योंकि हमारे परंपरा में भी ये रहा है गाँव की जरूरतें गाँव के ही लोगों के द्वारा पूरी हो जाती थी। उनको वस्त्र की जरूरत है, उनको कुमार की जरूरत है, वहाँ मौजूद है, सभी तरह के काम वहाँ करने वाले लोग।
जी जी। देखिए पहले जनजातीय समुदाय के बारे में हम आपसे बता रहे हैं, यह अतिशय कर्मशील समुदाय है और संतोषी समुदाय है, निष्कलुष निष्पाप निष्प्रिय, बहुत ज्यादा इच्छा नहीं है, बहुत अधिक कामना नहीं है, और हर व्यक्ति इस समुदाय का अपने आप में संतुष्ट रहता है। इसके अंदर असहयोग की कोई वृत्ति नहीं है, ये कर्मठ लोग हैं और इनके पास बहुत ज्ञान है, इनका जो उत्पाद है प्रकृति ने ही इतना अच्छा बना के रखा है कि उसका सेवन करने वाला कभी अस्वस्थ नहीं हो सकता। जैसे कोदो है, जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ उसकी ब्रांडिंग हमारी यूनिवर्सिटी करती है, अमरकंटक कोदो, शहद है अमरकंटक हनी, इतना शुद्ध शहद आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। इस क्षेत्र में जो वन क्षेत्र है, एक कंद होता है जिसे प्राचीन काल में ऋषि मुनि खाते थे, वह कंद इतना पौष्टिक है कि अगर उस पर काम किया जाए आने वाले दिनों में, तो अन्न का एक बेहतर विकल्प यह भी है कि हम अन्न तो ग्रहण करें, अन्न तो ब्रह्मांड है, ब्रह्म ही अन्न है, लेकिन यह जो कंद है हमें निरोग रखने में समर्थ है, इस पर ध्यान रखना चाहिए। जहां तक इनकी दुनिया की बात है कि बाहरी दुनिया से इनका संपर्क नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि बाहरी दुनिया से संपर्क रखना नहीं चाहते, विकास की धारा वहां तक पहुंची नहीं, अब वहां सड़क मार्ग से पहुंच संभव हो गई है। अब इनमें बहुत मेधावी लोग हैं, इन्होंने अध्ययन किया है, बहुत आगे पहुंच गए हैं प्रशासन के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, सब जगह इनकी पहुंच है। इनकी खेती बहुत श्रम साध्य खेती है, अभी भी इस क्षेत्र में हल बैल से खेती होती है, लेकिन बहुत अच्छी खेती होती है। तो हमारी जो आधुनिक विकास की धारा है इनके पास तक नहीं पहुंची, इसीलिए ये जो कहा जाता है कि बाहरी दुनिया से नहीं मिली, तो ऐसा नहीं है, ये मिलते रहे हैं। इनके पास जड़ी बूटी है, उस जड़ी बूटी से इन्होंने बहुत सारी व्याधियों का निदान किया है। इनके पास वह तकनीक है जिस पर मेरे यहाँ काम शुरू हो रहा है कि जमीन पर हाथ फेर कर बता सकते हैं कि जमीन में कहाँ लोहा सुलभ है। एक बैगा जनजाति है, जमीन पर हाथ घुमा के बता देती है कि इसमें लोहा है कि नहीं है। ये सारी जानकारियाँ केवल हमारे ही जनजातीय क्षेत्र में नहीं है, पूरे देश में जहाँ जनजातीय समुदाय है उनके पास विशिष्ट ज्ञान है, और यह विशिष्ट ज्ञान उन्हें सीधे प्रकृति से मिला है। प्रकृति से सामिप्य उनका बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए नैरोग्यता उनकी बहुत ज़्यादा है। जो आधुनिक सुविधाओं के साथ हैं उनके साथ स्वास्थ्य की समस्या भी है। आज की तारीख में अगर कहें कि दुनिया में कितने प्रतिशत निरोग हैं, ये तलाश करना मुश्किल है। जहाँ तक मैं जानता हूँ आज कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कम से कम कोई दवा की एक गोली ना खाता। अब तो बच्चा जब गर्भस्थ होता है तभी से दवा देना शुरू हो जाता है। निरोग तो वह है जिसे औषधियों पर आश्रित ना होना पड़े। ये जो बनौषधि है, जो जड़ी बूटियां हैं, उसके गुण जितने हैं अब उस पर कार्य करने की जरूरत है, और उसे जन सामान्य तक ले जाने की जरूरत है कि हम जो महंगी दवाइयों से अपनी नैरोग्यता का प्रयास करते हैं, जो प्रकृति ने जड़ी बूटी दिया है, जो औषधि दिया है जिसे बनौषधि कहते हैं, उसके माध्यम से भी हम ठीक हो सकें। हम लोग तो आजकल एक जो रामायण महाभारत चला है सभी लोग देख रहे हैं कि लक्ष्मण बूटी में तो वह ताकत है जिसे संजीवनी बूटी कहते हैं, कि लक्ष्मण जी जैसे व्यक्ति को जिंदा कर दिया। तो ऐसी तमाम बूटियां हैं जो जनजातीय समुदाय के संज्ञान में हैं, जो अरण्य क्षेत्र में हैं
तो हम बहुत शहरी क्षेत्र में जा चुके हैं, महानगरों में जा चुके हैं, अब जरा अरण्य क्षेत्र में चलें, वहां के ज्ञान को लाएं, वहां के लोगों की जानकारी को लाएं और पूरी दुनिया में उसे बांटें, इससे भी काम होगा। लेकिन मेरा आशय यही है कि प्रकृति के जितना समीप हम रहेंगे उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे। जी लेकिन हम लोगों ने इतना ज्यादा आधुनिकीकरण कर लिया है, अपनी जीवन शैली इस तरह से बना दी है कि ये बीमारी भयंकर से भयंकर तक होती चली जा रही है। सर, इस बीमारी के कुछ दूसरे रूपों पर, दूसरे पक्ष पर भी हम बात करना चाहेंगे। जी, इस बीमारी ने भारत को तो प्रभावित किया है। हाँ। इसके मरीजों की संख्या लाख के आसपास पहुंचने वाली है, हालांकि मृत्यु दर भारतवर्ष में कम है। जी सर, क्योंकि आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की भी का भी अध्ययन करते रहे हैं, उसके लिए आप अध्ययन कर रहे हैं, तो ऐसे में इस बीमारी का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप जो दिखाई पड़ रहा है सर, जी, उससे भारतवर्ष कितना अलग प्रकार का दिखाई पड़ रहा है और भारत की क्या भूमिका दिखाई पड़ रही है इस बीमारी को समाप्त करने में? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया बिजन जी आपने। इस बीमारी ने एक कार्य तत्काल किया कि दुनिया के सभी देशों को, जिन्हें विकसित, उन्नत, समुन्नत, समृद्ध कहते हैं और विकासशील अविकसित देश कहते हैं, सबको एक ही साथ एक धरातल पर लाके खड़ा कर दिया। आज दुनिया का कोई देश अपने को दूसरे से बेहतर नहीं मान सकता जहां तक इस आपदा का प्रकोप है। दुनिया के किसी भी देश में दावे के साथ नहीं किया जा सकता कि इससे बचाव के सम्यक उपाय हैं। जहां तक भारत की स्थिति है, भारत में मृत्यु दर सर्वाधिक कम है, प्रतिशत के हिसाब से देखिए तो आप कह सकते हैं कि भारत ने अपने को ठीक तरीके से संभाला है। यह जो संभालने का, आगे ले चलने का, बचाने का और बढ़ाने का कार्य होता है, यह नेतृत्व पर निर्भर करता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास एक योग्यतम नेतृत्व है और उस नायक की बात केवल अपने देश में नहीं सुनी जा रही, पूरी दुनिया में सुनी जा रही। अब देखिए, तत्काल जो भारत की स्थिति अन्य राष्ट्रों से अलग है कि हमारी जो औषधि है वह दुनिया में सर्वाधिक प्रयोग में लाई जा रही है। पहले था कि अन्य देशों से औषधियां हमारे यहाँ आती थी, आज हिंदुस्तान इस कोरोना संक्रमण को रोकने, पूर्ण रूप से समाप्त करने तो नहीं लेकिन रोकने, जो संक्रमित है उन्हें ठीक करने में अगर कोई औषधि काम आ रही है तो हिंदुस्तान की है। तो आज हम दुनिया में सबसे बड़े औषधि निर्यातक राष्ट्र हो गए। जो सबसे अच्छा अन्न है वो अब आपके देश में पैदा हो रहा है, उसके हम निर्यातक राष्ट्र हो रहे हैं। विश्व की सामर्थ्य का आकलन हम आयात और निर्यात के आधार पर करते हैं। इस आपदा से पहले हिंदुस्तान में आयात ज्यादा होता था, निर्यात कम होता था। जो वैश्विक परिस्थितियां बन गई हैं, अब हम निर्यात ज्यादा करने वाले हैं, आयात कम करने वाले हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ की जो सोच है, समझ है और सहयोग की वृत्ति है, यह दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। हम किसी पर वर्चस्व स्थापित करना नहीं चाहते, लेकिन हमारा महत्व स्वीकृत हो यह हम अवश्य चाहते हैं। पहले दुनिया में शक्ति स्पर्धा होती थी सामरिक संदर्भों में, बाद में यह आर्थिक संदर्भों में होने लगी कि जिसके पास ज्यादा आर्थिक क्षमता है वह ज्यादा ताकतवर होगा। इसका एक और फलक बदला, जो राष्ट्र ज्यादा ऊर्जा का उपयोग करता है वह ज्यादा ताकतवर होगा। आज की स्थिति क्या है, सारे सामरिक हथियार सब बंद पड़े हैं, उसके आधार पर कोई किसी को ध्वंस नहीं दे सकता। जो अर्थ के संस्थान है बंद पड़े हैं, संपन्नता के आधार पर कोई किसी को धमकी नहीं दे सकता। जो ऊर्जा के क्षेत्र हैं, जो ऊर्जा के स्रोत हैं, जिनके पास बहुत अधिक पेट्रोलियम एनर्जी है, वह किसी को धमकाने की स्थिति में नहीं है कि हम कीमत बढ़ा देंगे, हम सप्लाई नहीं देंगे। ये सब अलग विषय हो गए। पहले ये स्थिति थी कि हम अपने यहाँ आपको नहीं आने देंगे, लगता था कि उस देश का वीजा मिल जाएगा तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब ये सब पैटर्न बदल गया। अब यह लालसा कि हम विदेश होके आए हैं, बड़ा गर्व से पहले लोग बताते थे,
अब बताएगा ही नहीं कोई, हाल में अगर 5-6 महीने में कोई कहीं से लौटा है तो बताएगा ही नहीं कि विदेश से आया। तो ये सब पैटर्न बदल गए। सीमाएं उदारवाद के दौर में जो उदारीकरण की प्रक्रिया चली, वैश्वीकरण की प्रक्रिया चली, तो इसमें सीमाओं को थोड़ा सहज कर दिया गया था। कोरोना ने सीमाओं को फिर से महत्वपूर्ण बना दिया है कि हमारी सीमा में दूसरे देश का नागरिक आसानी से तो ना आए, क्योंकि पता नहीं अपने साथ कौन सा वायरस लेके आ रहा है। जो वस्तुओं का आदान प्रदान होता था उस पर भी ग्रहण लग गया है कि दूसरे देश का जो सामान आएगा वो अपने साथ कुछ संक्रमण करने वाले विषाणु लेके तो नहीं आए। तो अब सीमा पर ही एक नई व्यवस्था रखनी पड़ेगी, सीमा पर जो सामान आते हैं उनकी सघन स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी कि उनके साथ कुछ ऐसा ना हमारे देश में आ जाए जो हमारे देश के वातावरण को सूट नहीं करता। तो एक नए प्रकार की अब शक्ति स्पर्धा शुरू होगी। जो स्वस्थ राष्ट्र हैं और दुनिया में सहयोग की वृत्ति रखते हैं उनका महत्व बढ़ेगा, पूंजी निवेश का स्वरूप बदलेगा। अब उन देशों में पूंजी निवेश नहीं किया जाएगा जो मानवता के लिए समस्या उत्पन्न करने वाले प्रयोग करते हैं, हमारा पड़ोसी देश जैसा पूरी दुनिया को अभिदित हो गया है। उन देशों के साथ राष्ट्र सहयोग बढ़ाएंगे जिनमें मानवता है, मानवीयता है, मानवता के प्रति संवेदना है, जिसमें विश्व बंधुत्व का भाव है, जिसमें समर संघर्ष की बात नहीं उठती। और इसके लिए तो हिंदुस्तान से श्रेयस्कर कोई राष्ट्र हो ही नहीं सकता। वह राष्ट्र महत्वपूर्ण माना जाएगा जहां ज्ञान का सकारात्मक उपयोग होता है, ध्वंसात्मक उपयोग नहीं होता। इस दृश्य में भारत सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र है। इसलिए आने वाले दिनों में भारत जो वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत पर भी काम करेगा, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, तो इसके माध्यम से हम बहुत कुछ करने वाले हैं। तो पर निर्भरता हिंदुस्तान की घटेगी, आत्मनिर्भरता हमारी बढ़ेगी और इस तरह दुनिया में आने वाले दिनों में वैश्विक पटल पर हिंदुस्तान अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्र बनेगा। निश्चय मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से और ऐसा ही होना भी है। अवश्य। सर एक प्रश्न और आपसे हम करना चाहेंगे शिक्षा जगत को लेके। इस समय चूंकि सारे कार्य स्थगित है जी, और उत्पादन तो रुका ही है कृषि क्षेत्र को छोड़कर, जो उत्पादन होते थे या कार्यालय कार्य होते थे वो सब ठप है। इसका एक और पहलू ये आया सर कि शिक्षा जगत भी ठप हो गया सर। पढ़ाई लिखाई जो है, सारे जो परीक्षाएं होने वाली थी वो सारी परीक्षाएं स्थगित हो गई, चल रही थी सेमेस्टर की या जो उच्च शिक्षा के वो सब छोटे बच्चों की क्लासेस तो रुकी हुई है। क्षतिपूर्ति के लिए यूजीसी ने और तमाम विश्वविद्यालयों ने कुछ ना कुछ तो रणनीति बनाई की होगी और इस पर मंथन चल भी रहा होगा। आप क्या कहेंगे सर ये कि इस शिक्षा को कैसे इसकी जो जो घाटा हो रहा है सर, जो हमारी स्थिति हो चुकी है, इसकी भरपाई के लिए क्या योजना आने वाले समय में अपनाई जाएगी? ये सामयिक प्रश्न है। तो पहला तो एक विचार वक्तव्य मान्यता और यथार्थ ये है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन अध्यापन कार्य अवरुद्ध नहीं हो रहा है। मैंने आरंभ में ही आपसे बताया था कि जो अदृश्य शत्रु है उसका मुकाबला करने में जो अदृश्य साधन हमारा इंटरनेट है इसका हम भरपूर उपयोग कर रहे हैं। तो लगभग सभी विद्यार्थी जिनके पास स्मार्टफोन है वो अपनी अपनी संस्थाओं से और अपने शिक्षकों से संबद्ध हैं। जो रियल क्लासेज हैं क्लासरूम में जो सीधा आँख में आँख मिला करके संवाद की शैली है वह तो निश्चित रूप से नहीं हो रही है, लेकिन वर्चुअल क्लासेज के माध्यम से पढ़ाई हो रही है, वह नहीं रुकी है। एक तरह से आप यह कह सकते हैं कि एक थोड़ा बेहतर विकल्प भी अल्प अवधि के लिए इसे कर सकते हैं कि क्लास में हम लेक्चर देते थे, बच्चे सुनते थे, घर जाकर तैयार हो लेते थे। अब बच्चों को जो ई पोर्टल्स हैं, यूजीसी के पोर्टल हैं, एमएचआरडी के पोर्टल हैं, सारे विश्वविद्यालयों के अपने अपने पोर्टल हैं, उस पर इतनी अधिक सामग्री अब मिल जा रही है कि बच्चों को अब
सामग्री से सदुपयोग ही करना है, पढ़ना है, उसका लाभ लेना है। प्रयोगशालाओं में प्रयोग रुका हुआ है, ये एक प्रभाव पड़ा है। सोशल साइंसेज में जो फील्ड वर्क है वह रुके हैं, लेकिन जितना थ्योरेटिकल आस्पेक्ट है उस पर कहीं कोई कुप्रभाव नहीं पड़ा है और सब जगह अध्यापन चल रहा है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान का महत्व होता है, रिसर्च वर्क भी चल रहा है, जो प्रोजेक्ट हैं वो चल रहे हैं, जो डाटा है बच्चों के पास, विद्यमान विद्यार्थियों के पास, जो हमारे शिक्षक भी रिसर्च में इन्वॉल्व हैं, उस डाटा का एनालिसिस कार्य चल रहा है। तो शिक्षा की प्रणाली बाधित नहीं हुई है, उच्च शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा में यह काम चल रहा है, छोटे बच्चों को भी इसके माध्यम से बताया जा रहा है। अब हिंदुस्तान का शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जिसके पास फोन ना हो, जो छोटे बच्चे हैं उनको टीवी पर नहीं लागे, जहाँ टीवी नहीं है या स्मार्टफोन नहीं है, तो फोन के माध्यम से भी उनके शिक्षक जो अंक और अक्षर ज्ञान है कराना है वो तो करा रहे हैं, कुछ भाषा का बोध देना है, कुछ गीत कहानी सुनाना है, ये कर रहे हैं। हम भी भलदा कहते रहते हैं कि जो शिक्षा व्यवस्था है बोझिल नहीं होनी चाहिए, बच्चों को थोड़ा रिलैक्स भी होने का अवसर मिल जाना चाहिए, इसलिए प्राइमरी स्कूल में बच्चों को कहानियों के माध्यम से, मनोरंजन के माध्यम से सीख देनी चाहिए। तो इन सब पर काम हो रहा है, चला है निश्चित रूप से। प्रत्यक्ष प्रयोगशालाओं में प्रयोग यह थोड़ा रुका हुआ है, लेकिन यह जो आपदा का दौर है यह स्थायी नहीं है, यह खत्म होगा। फिर आने वाले दिनों में जो प्रत्यक्ष संवाद के अवसर हैं वो बढ़ेंगे, अध्यापन के घंटे बढ़ाए जा सकते हैं। तो जो कहीं कमी अगर रह गई है, बच्चा जिसे चाहता है कि सीधे संवाद करके हम जाने हमारा जो विद्यार्थी है, तो इसका अवसर विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, माध्यमिक विद्यालयों में, प्राथमिक विद्यालयों में सारे बच्चों को मिलेगा। रही बात परीक्षा की, तो परीक्षा को लेकर जरूर गंभीर मंथन अभी चल रहा है। जहाँ परीक्षा हो गई है उसका मूल्यांकन कैसे कराया जाए देखा जा रहा है, जहाँ परीक्षा नहीं हुई है, क्योंकि अभी निश्चित रूप से हम नहीं कह सकते कि हम कोरोना मुक्त होने जा रहे हैं। अभी उनका प्रसार रुका भी तो उसका आफ्टर इफेक्ट 2-3 महीने तक तो रहेगा, तो उससे हम बचेंगे। इसलिए ऑनलाइन मोड से एग्जामिनेशन की व्यवस्था होगी कि ऑनलाइन मोड से जो अध्ययन अध्यापन किया गया है उसका हम ध्यान रखें, उनको हम डिजर्टेशन दें, उन्हें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे दें, वो तो पूछ करके उनका मूल्यांकन करें। अब तक कोरोना से पहले, लॉकडाउन से पहले जितना उन्होंने पढ़ा है उसका इंटरनल असेसमेंट हो गया होगा, तो उसे जोड़ करके हम उन्हें आगे ले जाना चाहेंगे। ये पूरी व्यवस्था इस तरह की बन रही है, क्योंकि कोरोना का दौर कब तक चलेगा नहीं कह सकते, लेकिन जो समय जाएगा उसे हम वापस नहीं ला सकते। इसलिए बच्चों को डिग्री मिले, उनका अगली कक्षाओं में प्रमोशन हो, बहुत सारी सेवाएं ऐसी हैं जो यूजी के बाद ही बच्चे भर सकते हैं, पीजी के बाद भर सकते हैं, पीएचडी करने के बाद बच्चे कर सकते हैं आवेदन, तो इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं, फाइनल सेमेस्टर के बच्चे हैं, जिसे हम लोग एंड सेमेस्टर कहते हैं, कि उनकी परीक्षा को हम कैसे संचालित करें, ऑनलाइन मोड से हो सका तो करेंगे, इस पर तो ज़्यादा विचार हो रहा है। क्योंकि हम अगर एक साथ बच्चों को बैठाएं कहीं जहां भी वो रह रहे हैं, 50 बच्चों को हम एक साथ नहीं बैठा सकते आज की तारीख में, क्योंकि संक्रमण की संभावना रहेगी। कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है, अगर एक बच्चा संक्रमित है, एक विद्यार्थी, तो आने वाले बच्चों के लिए समस्या हो सकती है। इसलिए उनके पास जो मोबाइल है हम उससे कैसे काम कर सकते हैं, जो उनका स्मार्टफोन है सीधे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उनके स्मार्टफोन पर जाएं और वहीं से वो जवाब दें। डिजर्टेशन भी अपने मोबाइल पर 50 पेज का डिजर्टेशन है, 5 पेज में वो टाइप करके भेजें, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। घर में लिखने की व्यवस्था है, उसका फोटो खींच करके भेजें, उसका मूल्यांकन होगा। और निश्चित रूप से जो एंड सेमेस्टर के बच्चे हैं इनके परीक्षा की तैयारियां हो रही हैं सब जगह, उन्हें डिग्री मार्कशीट मिले ताकि कोरोना मुक्त समाज में जब आजीविका के नए अवसर मिले, आवेदन किए जाएं, तो हमारे विद्यार्थी जहां कहीं भी पढ़ रहे हों, जिस किसी भी संस्थान में, तो अर्ह हों और संबंधित परीक्षाओं में सम्मिलित हो सकें। तो परीक्षा को लेकर अब कोई चिंता हम लोगों के मन में नहीं है, समाधान सबके मन में है और समय आते ही इस समाधान को क्रियान्वित कर दिया जाएगा। सत्र व्यर्थ नहीं होगा, विलंबित हो सकता है, व्यर्थ नहीं होगा। तो इसकी पूरी तैयारी है,
वो प्राथमिक स्कूल से लेके और अनुसंधान के स्तर तक, और मैं पूरे सिस्टम को इसलिए जानता हूँ कि हमारे विश्वविद्यालय में केजी से लेकर रिसर्च तक की पढ़ाई होती है। केजी से लेकर हमारे पास बहुत अच्छा एक मॉडल ट्राइबल स्कूल है जहाँ 1, 2, 3, 4, 5 के लिए व्यवस्था है, फिर सेंट्रल स्कूल है 6 ऑनवर्ड्स। तो मुझे सबका बोध है और सबके लिए हम लोगों की चिंताएं हैं, सब पर हमारी चर्चाएं होती हैं और सबके लिए अच्छी व्यवस्था है। तो एक बार पुनः यही कहूँगा कि सत्र व्यर्थ नहीं होगा, विलंबित होगा, परिणाम आएगा, बच्चे प्रसन्न होंगे, उनका भविष्य उज्ज्वल होगा, इसकी तैयारी है। मैं सबसे कहना चाहूँगा कि कोई भी आपदा का दौर अस्थाई नहीं होता, कोई भी समस्या अस्थाई नहीं होती, समाधान अस्थाई होते हैं, समाधान सुखद होते हैं और समाधान ही प्रभावी होते हैं। हम ऐसे में धैर्य धारण करें, संतोष करें और परिवार के लोगों के साथ मिल बैठकर हम सुखपूर्वक जीवन यापन करें। जो शासन के निर्देश हैं केंद्र सरकार के, प्रदेश सरकार के, स्थानीय प्रशासन के, उसका हम अनुपालन करें। वस्तुतः यह अनुशासन पर्व भी है कि हम कैसे अनुशासित रह सकते हैं, कैसे अपनी इच्छाओं पर अंकुश लगा सकते हैं। आप देखें कि इस देश में आधी आबादी तो अस्थायी रूप से घर में रहने के लिए व्यस्त है। यह वह समाज जो सक्रिय रहा है, बाहर निकलता रहा है, उसके लिए एक अटपटा लग सकता है, लेकिन हमें उनसे सीख लेनी चाहिए जो आधी आबादी है, जो अन्नपूर्णा है, कि वो कैसे अस्थाई रूप से गृहवास करती हैं। उनसे हमें सीख लेना है। आज मातृशक्ति को हम नमन करें, उनका ध्यान करें, उनका स्मरण करें और उनका स्तवन करें। हम घर में भौतिक दूरी बना करके रखें, 2 गज की दूरी जरूरी है और यह समय प्रदान, कोरोना प्रदान मजबूरी है, ये करें। हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर से जब भी बाहर निकलें तो मास्क लगा के ही निकलें, घर में आएं तो हाथ पैर धुल के ही घर में जाएं। तो जितने निर्देश हैं, हम अगर छोटी छोटी चीज़ों का अनुपालन करेंगे, आसपास जो चीज़ें उपलब्ध हैं, हम जो सब्जी आसपास उपलब्ध है उसका प्रयोग करें, तो आसपास पर अगर भरोसा करेंगे तो हम खास बनते चले जाएंगे, दूर पर भरोसा करेंगे तो हम आम बनते चले जाएंगे। इसलिए आप खास बने और आसपास पर भरोसा करें, अपनी व्यवस्था पर भरोसा करें, अपने समाज पर भरोसा करें, अपनी जिजीविषा पर भरोसा करें कि हम कभी भी संकट से उबर सकते हैं। ये हमारे मनुष्यत्व का द्योतक है। हम अपने राष्ट्र का नमन करें और नेतृत्व का अपनी सामर्थ्य के साथ सहयोग करें। बहुत धन्यवाद ब्रजेंद्र जी, आपको प्रसन्न है।